हमारे कोरोना योद्धा जो अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश की सेवा में जुटे हैं। हम सभी अपने घरों में इसीलिए महफूज हैं क्योंकि पुलिस, मेडिकल स्टाफ, पत्रकार, गार्ड्स एवं सफाई कर्मचारी इत्यादि सभी कोरोना वायरस का सामना बिना किसी संकोच के कर रहे हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम इनकी सेवा की ना सिर्फ सराहना करें बल्कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में जो सुविधा हमसे बन पड़े करनी चाहिए। इस तर्ज पर विश्व शांति मिशन एवं मेरा भारत मेरा स्वाभिमान की पूरी टीम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से कार्य कर रही है। जरूरतमंद को राशन सामग्री वितरण करने के साथ साथ उन्हें कोरोना से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी जागरूक कर रही है। और हाल ही में पूज्य ठाकुर जी महाराज संघ ट्रस्ट के सचिव श्री विजय शर्मा जी एवं उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारी जो हमारी आपकी हम सबकी सेवा में जुटे हैं उन्हें ना सिर्फ सैनिटाइजर, मास्क एवं राशन वितरण किया बल्कि उन पर फूलों की वर्षा कर और तालियां बजाकर उन्हें सम्मानित भी किया। इस सेवा कर्मी रात दिन हमारे ये भाई बंधु माताएं बहने रात दिन मेहनत करती हैं और साफ स्वच्छ रखती हैं, तो इसलिए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल मिशन की तरफ से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और जो भी राहत सामग्री है, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो भोजन की व्यवस्था है, वो भी मिशन की तरफ से और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। जी हाँ, आज स्वयं पूज्य ठाकुर जी महाराज ने बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें राशन किट वितरण की एवं उनका धन्यवाद किया। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन अगर चल रहा है तो हमें घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई वो है जो घर के बाहर जाके लड़ी जाती है। ये लड़ाई घर के बाहर की नहीं, ये लड़ाई हमें घर के भीतर रह के ही लड़नी पड़ेगी। इस मौके पर पूज्य ठाकुर जी महाराज ने पुलिसकर्मी एवं वहां मौजूद मीडिया कर्मियों पर भी फूल बरसाए और उन सभी का आभार व्यक्त किया। प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं जो रात दिन मेहनत करके हमारे प्रशासन के लोग अपने घर परिवार को देखे बगैर पूरे हम लोग स्वस्थ रहे इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऊपर से हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हम सत्कार और सम्मान करते हैं जो रात दिन मेहनत करके अपने घर और परिवार की भी चिंता किए बगैर वो जिस तरीके से भी सेवा कर रहे हैं उनका भी सत्कार विश्व शांति सेवा मिशन और धर्म संघ की व्यवस्था की तरफ से हम लोग सभी कर रहे हैं।